संतोष भाई, सीबी भाई, श्रीजीत भाई, शेट्टी भाई, घनश्याम बाबू इधर थोड़ा टेंशन में, बेटी की तबीयत खराब है, ठीक है, तेजस दादा, मिलिंद भाई और सोनाली साहब, मास्क उतारो यार आप लोग, रहेंगे चंद्रकांत दादा थोड़ा आगे आइए, दादा आगे आइए आप, और सामान पैक की जा रही है, संतोष भाई ऑफिस से आके भी खड़े हैं, बहुत साथ दे रहे हैं हमारे जाने। और जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा आज से शुरू हो रही है, दो लोग हम लोग यहाँ हैं, दो लोग को पिकअप करना है, साथ में सुबह सुबह आप देखोगे साथ में सब लोग मुझे विश करने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं कि भाई ठीक है नया कुछ काम है आप चलो स्टार्ट करो, हम लोग आपके साथ हैं। ये अरमान ने बहुत कुछ काम किया है और मैं भी आप लोग के सामने हूँ, दोस्तों के साथ में, सबको आशीर्वाद है, सबकी दुआएं हमारे साथ है, दरेत भाई सरप्राइज देखे साथ में, तो अब स्टार्ट कर दें और मिलते हैं अगले स्टॉप पे, दो लोगों को पिकअप करना, फिर वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जय बोले दोस्तों, जस्ट स्टार्ट किया है ये हमारी सोसाइटी का गेट और टचू मतलब किलोमीटर हम लोग देख लेते हैं, 30-30, हाँ एग्जैक्ट 30-30 किलोमीटर हम लोग निकल रहे हैं और जो 10,000 किलोमीटर की हमारी यात्रा है, स्टार्ट तो हमने अंदाज किया है, पहले तो कुछ और प्लान था, साथ में कुछ और थे, नरेंद्र भाई का सपोर्ट था, हर बार अपने को गाइड कर रहे थे कि भाई ऐसा जाना है, ऐसा करना है, सब कुछ उनका वो था, लेकिन रात को जो सरप्राइज दिया नरेंद्र भाई ने, नरेंद्र भाई क्या लगता है, क्या दिमाग में आपके, कैसा आपका प्लान बना अचानक में? जब उपन भाई ने मेरे को बोला कि यार अपना एक दोस्त कम हो गए है, तो मैं तो उसको अकेला छोड़ूंगा नहीं, अभी चलेंगे साथ में, ये बोले के नाम ले, थैंक यू, बहुत मजा आएगा इस बार, एक्चुअली गाड़ी दर्शन हो जाएगा अपना, हम लोग साथ में तो बहुत घूमे, हम लोग बहुत घूमे हैं और सरप्राइज हो गया तो मैं भी बहुत खुश हो गया, थोड़ा नर्वस भी था, मैं इतना शॉर्ट प्लान बना रहा हूँ मैं, लेकिन मतलब चलो जय भोलेनाथ, जितने भी फटाफट है भोले बाबा की कृपा है और हम पे, धरेंद्र भाई पे, सब पे और आप लोग पे भी कृपा बनी रहे, जस्ट स्टार्ट करते हैं जर्नी और दिखाते हैं आपको कि क्या आगे कैसा रहेगा। और आज फर्स्ट डे हम लोग पहले त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, थोड़ा सा प्लान में चेंज हुआ है, पहले कुछ और प्लान किया था भीमाशंकर करने का, बट अब त्र्यंबकेश्वर का प्लान कर दिया कि जो हम लोग डायरेक्टली पहले क्रॉस करके एमपी जाएं और आते वक्त हम लोग भीमाशंकर लास्ट में वो करें कि महाराष्ट्र से निकले और महाराष्ट्र का एंड करें, ऐसा कुछ प्लान नरेंद्र भाई का भी था और अभी मैं आ गया हूं, प्लान चेंज होता रहेगा। दोस्तों हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दादा आ गया है एंड हम लोग जस्ट दादा जय भोलेनाथ का नाम लेके दादा नारियल तोड़ रहा है और जय भोलेनाथ, जय भोले। थाने के कासर ओडोली से हम लोग निकलेंगे, यहाँ से घूम के 10,000 किलोमीटर की यात्रा का प्लान है और ये हमारा 20 दिन के लिए हमारा घर जो आप देख रहे हो, ये रेनो की ट्रिवर ली हमने और जस्ट इसका चेक भी करेंगे कि गाड़ी में कितना दम है, इसके हिसाब से हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे। और दादा जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बाकी के लोग भी थोड़े आगे पीछे थे, वो लोग भी मिलने वाले हैं, शायद आएंगे तो उनको बाय करके निकलेंगे, सेट हो चुके हैं सब लोग, सामान उमान सारा लग चुका है, सामान दिखाते हैं, सबका सामान वगैरह परफेक्ट हो गया, सोना ने साहब ये गाड़ी लेके जाएंगे दादा की गाड़ी लेके जाएंगे और ये गाड़ी घर पे खड़ी रहेगी, सामान पूरा पूरा पैक, चारों लोग तैयार, मूड एकदम फ्रेश है और निकलने की तैयारी, दादा बंद कर, चलो बैग चल रहे, आप लोग अपडेट देते रहेंगे, फेसबुक पे देखते रहना, फोटो आपको ग्रुप में भेजते रहेंगे, बाय बाय बाय, जय भोलेनाथ। पहला हॉल्ट निकलने के बाद हमने लिया है 50 किलोमीटर आगे शाहपुर करके जगह है, सुख सागर एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है बड़ा, जहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट चैनल, मैकडी, सुख सागर, स्टारबक्स, नरेंद्र भाई गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, शायद कुछ भूल गए, नाश्ता आ गया है और दादा ने मसाला डोसा और क्या बोला रवा मंगाया, क्या मंगाया हम लोग, रवा डोसा, अच्छा ये क्या है भाई, तीनों मसाला है, ये तीनों मसाला ले, मेरा रवा है ना, हाँ इन मसाला डोसा आ गया, नाश्ता मैंने थोड़ा बहुत किया, बाकी लोगों ने नहीं किया है, तो दादा शुरू कर, ठंडा होने से पहले मजा लो,
नरेन भाई आप शुरू करो यार, मजा लो। नाश्ता करके हम लोग बाहर निकल रहे हैं। अब हम लोग मे बी डायरेक्टली त्र्यंबकेश्वरी जाके रुकेंगे। नरेन हो गया आपका? हेलो, नरेन का चाय हो गया, हम लोग का सबका फ्रेश हो गया, चॉकलेट वगैरह ले लिया हम लोग ने गाड़ी के लिए। दादा फोन पे घर से लगता फ़ोन आया है, यहाँ से डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर, और यहाँ से करीब करीब 70-75 किलोमीटर और रहेगा त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से निकल के फिर ओमकारेश्वर और आगे जितना हो सकता है। नरेन आज कितना खींचने का प्लान है, कितना जा सकते हैं आज? हम जाएंगे उज्जैन तक, जाएंगे उज्जैन तक का प्लान करेंगे, 800 किलोमीटर कवर करेंगे आज करेंगे। त्र्यंबकेश्वर शिव का ये पावन धाम महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर धाम 10वें स्थान पर माना जाता है। गौतम ऋषि और गोदावरी के प्रार्थना के बाद भगवान शिव ने यहाँ अपना वास किया। ज्योतिर्लिंग ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों विराजे हैं। त्र्यंबकेश्वर के समीप ब्रह्मगिरी पर्वत है जहाँ से गंगा के समान दक्षिण की गंगा कही जाने वाली माँ गोदावरी का उद्गम है। यहाँ आने वाले भक्त कुशावर्त में स्नान करके भगवान त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करते हैं। यहाँ काल सर्प और नारायण बलि की पूजा का विशेष महत्व है। मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1755 में तीसरे पेशवा श्री नाना साहब पेशवा द्वारा कराया गया। दोस्तों हम भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हैं और यहाँ से प्रस्थान करते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों हम त्र्यंबकेश्वर पहुँच चुके हैं। त्र्यंबकेश्वर का मंदिर महाराष्ट्र में कोरोना के उसमें सारे मंदिर फिलहाल बंद हैं, तो त्र्यंबकेश्वर के बैक साइड में महादेव का ये मंदिर है। ये भी काफ़ी पुराना है, इनका कहना था कि ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर से भी पहले का बना हुआ है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की जो जीर्णोद्धार मतलब दोबारा जो बनाया गया 1755 में कुछ बनाया गया था पेशवाओं की तरफ से, और ये जो बैक साइड का एरिया है ये त्र्यंबकेश्वर टेंपल का एरिया पड़ता है। ये आप देख सकते हो, वहाँ एंट्री बंद है तो जा नहीं सकते और कुछ भी अनलीगल हम करना भी नहीं चाहते। तो ये एरिया है, यहाँ पर गोदावरी नदी का जो उद्गम है त्र्यंबकेश्वर से, ये उनका बैक साइड का एरिया है। तो बैक साइड में मंदिर है, मंदिर के दर्शन हो गए अच्छे से और हमने सबने मत्था टेका वहाँ पे, और पहला दर्शन है हमारा ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर नहीं पर ये जो ये महादेव का मंदिर है तो हमने इसी को ही दर्शन कर लिए हैं। और दादा कैसा दर्शन रहा दादा? बढ़िया दर्शन हो गया, मस्त एकदम। पंडित जी ने बढ़िया आशीर्वाद दिया और बोला है कि सब लोग फटाफट अच्छे से आपका दर्शन हो जाए। पीछे के रास्ते से हम लोग आए हैं, एक भाई साहब मिल गए थे जिन्होंने हमको थोड़ा अच्छे से वो करवाया। ठीक है, अगर हम लोग अंदर तक भी जा सके प्रांगण तक भी तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दर्शन तो हम लोग ने कर लिए ये बैक साइड का। हाँ वो खड़े हैं भैया, वो अपना दर्शन करके एक में आ चुके हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के। और यहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने हमारा थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन किया है, थोड़ा गाइड किया कि चलो हम लोग ये कर सकते हैं। और दोस्तों ये आपके लिए स्पेशल, आप लोग देखें और यहाँ पे दर्शन करें। ये मंदिर का बैक साइड करें, यहीं से हम लोग एक्चुअली मोस्टली जब आप देख रहे हैं जहाँ पे झंडा लगा है वहीं से एंट्री होती है अंदर जाने की, और अंदर ही वो बड़े जो गुंबद के नीचे घर भर गए हैं वहाँ से दर्शन करते हैं सब लोग। और हमारा दर्शन तो ठीक ही रहा, स्टार्ट है, महाराष्ट्र का मंदिर बंद है, आते वक्त भीमाशंकर करेंगे, भीमाशंकर में भी तब तक चालू हो जाए, उसके बाद भोले बाबा की जय बोलते हैं और निकलते हैं।
त्र्यंबकेश्वर से निकल के हम लोग औरंगाबाद की तरफ है। रास्ते में येवला करके जगह है महाराष्ट्र के, वहाँ पे हम लोग छोटे से मेन रोड पे कुछ छोटा सा ढाबा टाइप है, सिर्फ वड़ा पाव यहाँ का जो फेमस है ये भाई बना रहे हैं। तो यहीं पे हम लोग पूछा कि हम लोग यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। टिफिन आज घर से आया था दादा के घर से। दादा खाई होती भाजी? मेथी, मेथी, भिंडी, घर में मेथी के पराठे, ये रोटियाँ, दादा की भाकरी वहाँ पे चावल की। अभी हम लोग फिलहाल पराठा और रोटी खा रहे हैं। बाकी का नरेंद्र भाई यार खाने का टाइम है यार, थोड़ा फ्री हो जाना है। एक मिनट खाली, एक मिनट। और वड़ा लिया दादा के यहाँ से मैंने, दादा वड़ा भी मस्त है, दादा की चटनी बहुत अच्छी है, चटनी का मज़ा ले रहे हैं। और खाना खाते हैं, फिनिश करते हैं, वो दोबारा आपके पास आते हैं। कृष्णेश्वर धाम महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नज़दीक दौलताबाद में वेरुल गांव में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में कृष्णेश्वर का अंतिम स्थान है। पौराणिक कथा के अनुसार तपोनिष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा और उनकी पत्नी ग्रीष्मा के प्रार्थना करने पर ही लोक कल्याण के लिए भगवान शिव यहाँ विराजमान हुए। यहीं नज़दीक एक सरोवर भी है जो शिवालय के नाम से ही जाना जाता है। भक्त यहाँ भी दर्शन अवश्य करते हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया। साथियों, भगवान भोलेनाथ का नाम लेके हम चलते हैं आगे की यात्रा पे। ओम नमः शिवाय। तो निकल चुके हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग ने 5-10 मिनट टाइम पास किया है, ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि मंदिर बंद है। आजू में आजू बाजू कुछ है भी नहीं। देखेंगे अगर चाय वगैरह कुछ मिल जाए तो चाय वगैरह पियेंगे। बाहर से दर्शन कर लिया है, आशीर्वाद हमको भोले बाबा ने दे दिया, तभी हम लोग यहाँ तक पहुँच गए और उनके आशीर्वाद से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी नरेंद्र भाई भी बोल रहे हैं कि मुझे अंदर से कुछ गैस उसे बट ऐसा लगता है कि इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा सा दर्शन मिल जाता तो मज़ा आ जाता, बट ठीक है। ये हम लोग पहले से माइंड सेट थे कि महाराष्ट्र के अंदर मंदिरों में दर्शन नहीं मिलेगा। त्र्यंबकेश्वर तो हम पहले भी बार गए थे, ग्रीष्मेश्वर मेरा पहली बार था, दर्शन नहीं हुआ। बट भोले बाबा से ये रिक्वेस्ट है कि आगे की हमारी जर्नी बहुत अच्छी हो, जानदार हो। रात तक हम लोग ओमकारेश्वर पहुँचेंगे। ड्राइवर हमारे पास दोनों चैम्पियन है, अभी तक मैं बैठा नहीं हूँ, मेरा नंबर ही नहीं आया अभी तक। और चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से आगे की यात्रा पे। ₹400 में नहीं, ₹320 में दादा, ₹320 में सब हो गया। तो मज़ा गया। पर रात को ओंकारेश्वर हम लोग ये गूगल मैप के हिसाब से 4 घंटे 28 मिनट 231 किलोमीटर दिखा रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं ओंकारेश्वर। अमन मिला हमको, जबरदस्ती उसने रूम दिया हमको, बट पैसे ले लिए उसने, आदमी सही नहीं है, पर रूम ठीक दिया उसने। और भाई सब लोग का जर्नी कैसा रहा? एकदम आज फर्स्ट डे था हम लोग का भाई, हम 12 ज्योतिर्लिंग जाने वाले हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में आज तीसरा ही है। ठीक है अमन, तू पैसे वापस कर देना, कल तेरे को भगवान पुण्य दे देगा। दादा का प्रोग्राम थोड़ा सा शुरू होगा अभी। कमल ही बोला मैंने, अमन का बोला, कमल बोला। तेरा होटल का नाम क्या है? होटल पलास। होटल पलास अच्छा लगा है, पर रात को रह के क्या करता है हमारे साथ ये देखना पड़ेगा। एसी चलाता है नहीं चलाता है? एसी चालू रहेगा तो मजा आएगा। बाकी रूम तो आप लोग देखो बढ़िया बना है, 2 टॉयलेट बाथरूम और ये 3 बेड दे दिया है। हम लोग सोएंगे नहीं, बट पैसे इसने ज़्यादा लिया, बट ठीक है, भगवान देख लेगा इसको। कमरा अच्छा है, होटल भी अच्छा है, मेन रोड पे है। दादा का होटल का व्यू दिखाएंगे। हाँ, गाड़ी हमारी पार्क हो चुकी है सामने ही, अच्छा है। और मैंने उनको पूछा भी है, भाई रात को कहीं आप आओगे तो नहीं? कि भाई आप भाई गाड़ी हमारी बैक साइड में खड़ी है, कहीं रात को आके उठा के बोली गाड़ी हटा दे तो? बोला नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा, हल्की बूंदाबांदी चल रही है नरेंद्र।
और अब हम लोग जाएंगे खाना खाने। नरेन क्या खाओगे आप? जीरा राइस दाल तड़का। ठीक है, रेस्टोरेंट है नीचे, रेस्टोरेंट में चलेंगे खाना खा के। थोड़ा प्रोग्राम कुछ होने वाला हमारा मिलजुल के, थोड़ा सा मिल के फटाफट फ्रेश हो जाते और फिर नीचे हम लोग चल के खाना खाते हैं। डिनर टाइम स्टार्ट। खाना कुछ मंगाया नहीं हम लोग ने, दाल और राइस मंगाई है, जीरा राइस। और नरेन वेट कर रहा है, हम दोनों आगे। भाई को भूख लग गई है, मुझे बहुत भयंकर भूख लग गई। नरेन चेंज कर रहा है, दादा को थोड़ा टाइम जाएगा। दादा एक्चुअली थोड़ा कुछ प्लानिंग चल रहा है दादा का, तो प्लानिंग होने में आधा घंटा लगता है करीब करीब। उसके बाद दादा को भी खाना यहाँ से लेके जाएंगे हम लोग। अभी खाना खाते हैं।